हेलो नमस्कार, कैसे आप सब। मैं भैदुबे आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, लेक्चर नंबर 9 में हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक और बातें, तो चलिए देने करते वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सामने पहले के दो ट्रैक्स हैं, ओके। उसके बाद मैं बात करता हूं इन तीनों स्विचेस के बारे में, ठीक है। ये पहला जो स्विच है स्मार्ट कंट्रोल बटन है, और ये दूसरा जो है वो मिक्सर है, और तीसरा जो है आपका एडिटर, ऑडियो एडिटर है, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट कंट्रोल के बारे में। जी हाँ, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऐसे जैसे आप ऑन करेंगे वैसे आपके सामने एक विंडो आ जाएगा, ओके। तो इसका प्रॉपर वर्क जो होता है दोस्तों, जब आप किसी भी ऑडियो में आप एफएक्स का यूज़ करेंगे, ओके। जैसे कोई प्लगइन आपको यूज़ करना है तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करके ऑडियो इफेक्ट्स में यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके सामने करके दिखाता हूँ, ओके। तो ये आपका ऑडियो है, जी हाँ, ऐसे। अब मैं इसके इंसर्ट में जाऊँगा, यानी ऑडियो इफेक्ट्स लूँगा। ये आपका ये ट्रैक है, जी हाँ। अब मैं यहाँ से सीधा यहाँ जाऊँगा इनपुट में, और ऑडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा। ऑडियो इफेक्ट्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैं नीचे की तरफ आया और एक मैं कंप्रेसर लेता हूँ, ओके, जो कि आपका लॉजिक का स्टॉक कंप्रेसर है, जी हाँ। ये कंप्रेसर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप देख सकते हैं जो कंप्रेसर मैंने लिया है ये वाला, उसके सारे कंट्रोल यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है थ्रेशोल्ड, उसको मैं यहाँ से कम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इस थ्रेशोल्ड को इधर ला रहा हूँ वैसे वॉइस जो है कम होती जा रही है, और जैसे मैं इधर ला रहा हूँ वैसे वॉइस बढ़ जा रही है। अब मैं इसको ऐसे करूँगा, जी हाँ, रेशियो थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा ऐसे। अब थ्रेशोल्ड को ऊपर लाऊंगा, ये आपका अटैक है, यहाँ से आप अटैक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिलीज है, कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो कंप्रेसर है आप यहाँ के बजाय यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये गेन है, यहाँ मैं कम करूँगा पूरी तरह से वहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, ये जो है स्मार्ट कंट्रोल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, जी हाँ। अब आपके सामने ये बटन है, इसको हम मिक्सर का बटन बोलते हैं, जी हाँ। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ये बाय डिफॉल्ट जो मिक्सर है वो खुल जाएगा। आप इसको यहाँ से ऐसे करके हैंडल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, यूं तो लॉजिक में दो तरह के मिक्सर होते हैं। एक जो मिक्सर है वो आपका इसमें चिपका हुआ रहता है, जी हाँ, ये विंडो में चिपका हुआ रहता है, और एक मिक्सर ये है जो कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हैं, यानी ये फ्री है। तो इस मिक्सर के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप ये समझ जाइए कि आपको अगर मिक्सर का यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये मिक्सर ओपन हो जाएगा, ओके। तो ये रहा आपका मिक्सर। उसके बाद बात करते हैं इस सीजर की, यानी कि ये एडिटर है। कोई भी ऑडियो को आपको एडिट करना हो तो आप डबल क्लिक करके ये अचीव कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये विंडो खुल जाएगा और आप इसमें से अपने ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं मनचाहे तरीके से। जैसे मुझे यहाँ से ये यहाँ तक चाहिए, तो आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं। तो ये आपका ऑडियो एडिटर, आप किसी भी जगह को सेलेक्ट करके आप सुन सकते हैं और जो चाहिए उसमें से पार्ट आप निकाल सकते हैं, ओके। मान लीजिए इस ऑडियो में से कोई आपको पार्ट डिलीट करना है, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किए
और जिस पार्ट को भी आपको ड्रिल करना है पहले उसको आप सुन लीजिए। ये ट्रैक है जो नॉर्मल आपका यहाँ पे दिख रहा है, और ये फाइल है, फाइल में जाना होगा आपको, और उसके बाद से आपको समझना होगा कि मुझे कौन से पार्ट को डिलीट करना है। सपोज मुझे ये जो है ना क्लैप, इसको डिलीट करना है, तो पहले आप इसको सुन लीजिए। तो सिंपल यहाँ पे एडिट में गया और डिलीट का बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि क्लैप गायब हो गया। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने ऑडियो में से किसी भी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। पर इसमें एक और चीज मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूं ऐसे, जी हाँ सेम ऑडियो यहां पर है आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं कि कभी कभी वो फंक्शन डिलीट वाला हाइड रहता है। वो हाइड क्यों रहता है वो आपको मैं बता दूं। सपोज आपने एप्पल लूप से कोई ड्रम लिया, ओके, तो अगर मैं इसमें से कोई पार्ट डिलीट करना चाहूं तो इसमें वो डिलीट का ऑप्शन हाइड हो जाएगा। क्यों होगा करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका ऑडियो है, ये ट्रैक नॉर्मल जो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर की तरफ, जी हाँ, और आपको ये फाइल, फाइल में जाके आपको एडिट करना है और मुझे ये फिर से डिलीट करना है। तो एडिट में गया तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिलीट का ऑप्शन है हाइड है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये डिलीट का ऑप्शन हाइड क्यों है। उसकी वजह है मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको आप नॉर्मल कर दीजिए ऐसे, जी हाँ। जो सबसे बड़ी वजह है, इस लूप में बहुत सारे ड्रम हैं ऑलरेडी, ठीक है, आप देख सकते हैं जो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे वो बदलते जाएगा। ये आपका देखिए चेंज हो गया, ठीक है, मल्टीपल लूप्स इसमें है, इस वजह से ये एडिट नहीं हो सकता। अगर आप इसको बाउंस कर ले, बाउंस इन प्लेस, जी हाँ ऐसे मैंने कर लिया, इसको डिलीट कर दें, जी हाँ से। अब मैं इसको एडिट करता हूं आपके सामने, जी हाँ, ये अपना क्लैप है, सुन लेते हैं एक बार, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, एडिट में गया और आप देख सकते हैं यहां पे डिलीट का बटन शो होने लगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से इसमें से क्लैप निकल गया। दोस्तों ये हो गया आपके तीनों स्विच के बारे में बात। अब हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप जब काम करते हैं तो कई बार आपका ऑडियो ऐसे 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 इधर का उधर का इधर बिखर जाता है, ओके, तो ऐसे में आपको करना क्या है, सीधा किसी भी आप रीजन पे जाएं, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से ऐसे, सीधा किसी रीजन पे गए ऐसे और राइट क्लिक किए तो आप देख सकते हैं लॉक SMPTE पोजीशन, ओके, तो आप इसको यहाँ से ऐसे करके करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, जी हाँ। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये अनलॉक हो जाए तो अनलॉक करने के लिए आप सीधा राइट प्रेस करें और अनलॉक SMPTE पोजीशन, ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो है रीजन अनलॉक हो चुका है। अगर ये ऑप्शन आपके मशीन में नहीं आता है तो कमांड और ये जो निशान दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, या फिर इसी बॉक्स में ये ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये लॉक और अनलॉक का स्विच फ्रंट पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। दोस्तों ये हुआ आपका लॉक और ये हुआ आपका अनलॉक, ओके। अब बात करते हैं पियानो रोल, पियानो रोल कैसे यूज करते हैं, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे जाते हैं हम, ओके, यहाँ पे गए और कोई भी एक मीडी बजा हुआ इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ठीक है, इसे पियानो है, पियानो रोल यूज करने के लिए पियानो ही लेते हैं, ओके, यहाँ पे गए और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ओके, इसको फिलहाल मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और आप इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, कोई भी सुर कोई भी स्केल आप आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं। अगर सपोज आपका मिडी खिसका हुआ है तो उसको आप यहाँ से दबा करके ग्रिड पे कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट में जा करके आपको स्नैप नोट्स को ठीक करने होंगे, ठीक है, तो स्नैप नोट्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू पे कर दीजिए यहाँ पे पहले,
यहाँ पे कर दिया आपने, उसके बाद आप 16 बिट चाहिए तो 16 पे कर सकते हैं, 32 चाहिए तो 32 कर सकते हैं, 64 पे चाहिए तो 64 पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 1/16 करता हूँ, जी हाँ, और मैं इसको यहाँ पे चिपका लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी पियानो को आगे पीछे कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से। इसको मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे, जी हाँ, अगर मुझे यहाँ से इसको हटाना है तो मैं जस्ट ऐसे प्रेस करूँगा और डिलीट का बटन दबाऊँगा तो ये उड़ जाएगा। अगर मुझे इस सुर को हटाना है तो सिंपल यहाँ से मैं इसको दबा करके डिलीट करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। अगर ये साउंड मुझे ज़्यादा चाहिए तो ये वेलोसिटी का है ऑप्शन, यहाँ पे आप इसको ऐसे बढ़ा करके इस साउंड को बड़ा कर सकते हैं। अगर मुझे बिल्कुल ये साउंड कम चाहिए तो भी मैं ऐसे कम कर सकता हूँ, या अपने मन के मुताबिक जितना चाहिए उतना ऐसे कर सकता हूँ किसी भी सुर को या किसी भी कॉर्ड्स को। फिलहाल मैं इसको यहाँ से उड़ाता हूँ और एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि सपोज मैंने कॉर्ड लगाया यहाँ पे आया, ओके, कॉर्ड तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लेकिन ये प्रॉपर चिपका नहीं है ग्रिड पे, ओके, तो क्या करेंगे, कमांड ए दबाएंगे सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्यू में जाएंगे, क्यू को प्रेस करेंगे तो ये अपने आप देख सकते हैं आप यहाँ पे चिपक गया, ओके। और भी फंक्शन है कि आप इसको लॉक कर सकते हैं, इसे लॉक पोजिशन, अब ये लॉक हो गया है, कहीं भी हिलेगा नहीं, ठीक है। जैसे मुझे ये काटना है यहाँ पे, ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सीजर ले लूँगा, ठीक है, सीजर लिया और कमांड दबाए, इसको मैं यहाँ से कटिंग किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये दो बार का लूप मैंने बनाया, तो दो बार के लूप में ही बजने वाला है। ये आप देख सकते हैं स्विच दिया यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल ऑटो जूम है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये खसक जाएगा, ये जो आपका है ऐसे वर्टिकल जूम है और ये आपका फिर से हॉरिजॉन्टल जूम है। आप इसको यहाँ से ऐसे जहाँ चाहे वहाँ वैसे कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये हुआ पियानो रोल, स्कोर की बात नहीं करेंगे, वो बहुत डिपली चीज़ है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि ये सब स्टाफ मोडेशन है और स्मार्ट टेम्पो, इसकी भी बात कोई करके मतलब नहीं है। फिलहाल आप पियानो रोल पे ध्यान दें, यहाँ पे कैसे काम करना है आपको सिर्फ और सिर्फ वो समझना है, बाकी बहुत कुछ है, पर क्या है कि आपके वो समझ से बाहर है, इसलिए अभी आपको बताना मैं उचित नहीं समझता, ठीक है। फिलहाल आपको खाली कॉर्ड लगाना है, अगर आपका कॉर्ड प्रॉपर जगह पे यानी प्रॉपर ग्रिड पे नहीं है तो उसको क्यू दबा के प्रेस करके आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं। अगर आपका कोई सुर कम ज़्यादा लगा है तो आप उसको वेलोसिटी के ज़रिए से आप उसको ठीक कर सकते हैं ऐसे। अगर कोई गलत नोट लग गया है तो भी आप उठा करके ऐसे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। फिलहाल पियानो रोल के लिए इतना ही है, ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैंने इस विंडो के बारे में आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।